वही छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिलती आ रही है। सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके के झारला गुड़ेम के जंगलों में नक्सली मौजूद हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को इन इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान पर भेजा था। जब जवान उक्त इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का जवाब देते हुए गोलियों से देना शुरू कर दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ियों की आड़ लेकर भाग निकले। जंगल की तलाशी लेने पर एक महिला नक्सली और उसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ। वही मारी गई महिला नक्सली गांगलूर एरिया कमेटी की सदस्य बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर इनाम घोषित किया है। उस पर 5,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस मुठभेड़ में महिला माओवादी मारी गई है। उसके पहचान सुखी पुन्नम के रूप में हुआ है। सुखी पुन्नम 2004 में दिनेश डीवीसी दिनेश के द्वारा भर्ती किया गया है और गंगलूर एरिया कमेटी में काम करती है। मुठभेड़ में जो सुरक्षा बलों के द्वारा गश्त सर्चिंग के दौरान उनको घायल करने के इरादे से नक्सली एंबुश लगा के बैठे थे, उसी में जवाबी फायर में ये महिला माओवादी का मौत हो गया है। इसके पास से 12 बोर राइफल, जिंदा और खाली कारतूस, टाइडी का सामान, पिट्टू और नक्सली वर्दी भी बरामद किया गया है। सुखी पुन्नम के खिलाफ किरंदुल थाना क्षेत्र में 2 अपराध पंजीबद्ध है और ये काफी नक्सल घटनाओं में भी इसका शामिल है बोल के जानकारी आई।